हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फाइनली आज ले आ चुके हैं आप लोगों के लिए स्क्रैप और फ्लेयर का गेम प्लेस। ओके गाइस, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो ताकि आने वाले वीडियोज़ आप लोगों को मिस ना हो जाए। बहुत सारे लीजेंडरी गेम प्लेस हम डाले हैं इस पर, तो मिस मत करना गाइस। अगर आप मिस करोगे तो आपका ही नुकसान है। ओके, तो अभी देखिए मेरे पास टर्न आए हैं, हम कैसे इसको फिनिश करते हैं। बाएं तरफ जो पक, मेरा दो पक जो फंसे हुए, उसको हम कैसे रिलीज़ करते हैं अभी देखिए इसके सहारे। तो ये वाला शॉट अगर पसंद आए तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना यार। ओके, अभी देखिए फिर भी मेरा बाएं तरफ जो पक है वो थोड़ा मुश्किल पोजिशन पर है, ठीक है, उसको हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल हम दूसरे पक को खेल लेते। ओके ओके, तो इसको हम ऊपर टॉप राइट पे लॉन्ग कट लेते हुए हम इसको रिलीज़ किया, अभी इसको हम कट लेंगे। तो ये बाएं तरफ आके रुका मेरा फ्रेम पे। ओके, अभी देखिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रोक से खेलेंगे ताकि ऊपर वो रिलीज़ हो। ओके, तो थोड़ा बहुत रिलीज़ हो गया वो। अभी इसको हम क्रॉस खेलते हुए राइट पे थोड़ा रिलीज़ करते, तो क्वीन रिलीज़ हुआ, फिर भी वो थोड़ा मुश्किल है पोजिशन, कोई बात नहीं, उसको हम रिलीज़ करते। अभी इसको थोड़ा पावर से हम खेलते, देखते क्या होते। तो देखते हैं, वो ग्रीन हट गया इधर से और मेरा जो पक था वो भी चला गया और ये भी रिलीज़ हो गया। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट गेम प्ले पे चलते हैं। 1 मिलियन का टेबल है सिंगापुर प्लाजा और मेरे को ब्रेक मिला था इस पर, देखते हम क्या करते हैं इस पर। ओके, तो अपोनेंट को हमने एक टर्न दे दिया थोड़ा रिलीज़ करते हुए, तो ये मेरा पक पॉट कर दिया, तो मैं भी फाउल करता हूँ ताकि मुझे कुछ एडवांटेजेस मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा पक्स आपका बोर्ड पे रहेगा उतना ज़्यादा आप लोगों के पास एडवांटेजेस रहेगा। ओके, ये बात हमेशा दिमाग पे रख देना आप लोग गाइज। ओके, तो थोड़ा बहुत रिलीज़ हुआ उसका पक, तो हम इसको फिर से अंदर कर देते। ओके, अभी देखते ओपोनेंट भैया क्या करते हैं, देखते ओपोनेंट क्या करते हैं, वो भी नहीं रिलीज़ कर रहे पोजीशन, तो मैं भी नहीं करूँगा रिलीज़। तो मेरा एक पक हम रिलीज़ कर चुके, देख सकते हो आप लोग, अभी वो इसको ही पॉट कर देंगे शायद, तो कोई भी रिस्क नहीं ले रहे ना ओपोनेंट ना हम। तो फिर से हम फाउल करेंगे। ओके, देखिए अभी क्या होता है, कभी कभी बोरिंग लगता है यार ऐसे खेलने में, लेकिन फिर भी खेलना पड़ता है क्योंकि 1 मिलियन का टेबल है, ऐसे ही हम जाने नहीं दे सकते। ओके, तो ये थोड़ा सा पुश किया वो मेरे पक को, हम भी थोड़ा सा पुश करते, तो अभी ये सिलसिला चलता रहेगा कुछ देर तक, देखते रहिए आप लोग। और अभी देखिए हम इसको थोड़ा रिलीज़ करते, आप लोग देख सकते हो उसका कनेक्शन बन चुके हैं, देखते अगर उसको वो ट्राई करते, हाँ उसी को ट्राई कर रहे, तो वो उसका पॉट हो चुके हैं सक्सेसफुली। ओके, तो अभी देखिए उसको रिलीज़ पक मिल गया बहुत सारे, तो इससे वो रिलीज़ करेगा थोड़ा पोजीशन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये हो गया उनका फाउल और सचमुच वो गया अभी। तो मेरा देख सकते हो आप ऑलमोस्ट सभी पक रिलीज हो चुके, फिर भी मुझे थोड़ा केयरफुली खेलना पड़ेगा क्योंकि 1 मिलियन का टेबल है यार, कॉइन्स इशू सभी के पास है, तो थोड़ा तो बहुत हमको सावधानी से खेलना पड़ेगा। तो अभी देखिए हम सिंगल खेलेंगे। ओके, इस पक को पहले टॉप राइट पे ले लेते हैं। अभी देखिए बाएं तरफ जो पक है मेरा, उसको हम कनेक्शन बना के लेते हैं। ओके, थोड़ा हार्ड है ये शॉट, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। दाएं तरफ मेरा फ्रेम पे एक पक है, उसको हम क्रॉस खेल के रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बाद में खेलेंगे, पहले इसको हम खेल लेते हैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक से, ज़्यादा स्ट्रोक से खेल लेते। तो थोड़ा बहुत रिलीज़ हुआ पोजीशन, अभी क्या करते हैं, अभी हम एक काम करते हैं, इसको जो अभी दाएं तरफ जो मेरा पक है फ्रेम पे, इसको ही हम लेते हैं क्रॉस, और थोड़ा क्वीन को हम रिलीज़ करते हैं, लेकिन क्वीन उतना ज़्यादा रिलीज़ नहीं हुआ, फिर भी अभी तक पोजीशन थोड़ा हार्ड है, देखते इसको आगे की तरफ जो ब्लैक है उसको पुश करते हैं, तो थोड़ा रिलीज़ होगा। जो मेरा टॉप लेफ्ट पॉकेट है वो अभी क्लियर है, आप लोग देख सकते हो, अभी हम इसको कनेक्शन बनाएंगे उसका ब्लैक से। ओके, तो थोड़ा दाएं तरफ वो पक भी रिलीज़ हो चुके, अभी देख सकते हो आप, हम आसानी से इस बोर्ड को क्लियर कर सकते हैं, और ऐसे अगर ध्यान पे रख के आप लोग भी शॉट्स लेंगे तो आप लोग भी आसानी से बोर्ड को क्लियर कर सकते हो। ओके, आपको ध्यान पे रखना होगा बस एक ही चीज़, आपका नेक्स्ट शॉट क्या होना चाहिए, उसको आपको
दिमाग पे रखना है, बस यही है सबसे बड़ी ट्रिक खेलने का। ओके, तो अभी देखिए ये भी सिंगापुर प्लाजा है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है इस गेम पे। अच्छा, इसको हम पहले क्रॉस खेले हैं तो थोड़ा बहुत रिलीज हुआ पोजीशन, बोर्ड तो फिनिश होना चाहिए, फिर भी देखते हैं क्या होता है। इसको हम सिंगल खेल लिया, अभी देखते हैं इसको हम सिंगल खेलते हैं। ओके, हम सिंगल पे ही जाएंगे क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट हर पक्ष रिलीज है, सभी पक्ष रिलीज है, तो हम सिंगल पे ही आएंगे। तो इसको हम टॉप लेप पे लेंगे अभी, तो ये गया टॉप लेप पे। अभी क्या करें, हम इसको लेते हैं अपना टॉप राइट पे और बाएं तरफ जो पक है उसको रिलीज़ करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन रिलीज़ तो नहीं हुआ। फिर भी मेरे फ्रेम पे, नीचे फ्रेम पे एक पक है, उसके सहारे हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं। चलिए उसको ही हम खेल लेते हैं, तो थोड़ा पावर से खेलेंगे ताकि वो रिलीज़ हो। लेकिन इधर देख सकते हो आप लोग, रेड जाके फंस गया बहुत बुरी तरीके से। लगता नहीं मुझे रेड रिलीज़ करने के लिए और कोई ऑप्शन मिलेगा, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। ये जो सेंटर पे जो ग्रीन है उसको थोड़ा वो ब्लू पे टच करा के खेलते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। ये बढ़िया था गुरु। तो और कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पे, तो अभी देखते हैं रेड को हम ऐसे ही मार देते जाते या नहीं। चलिए जैसे मारता हूँ, गया। तो अक्सर ऐसा होता रहता है, क्वीन जाके ऐसे फंसे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। एनीवेज, तो बाकी जो गेम प्ले से वो बहुत ही शानदार है, उसको ज़रूर स्किप मत करके देखना, ठीक है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना क्योंकि बहुत ही खास गेम प्ले से आगे लीजेंडरी गेम प्ले जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिस मत करना। और इस वीडियो के लिए इतना ही था, ठीक है, और अगला वीडियो बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाले है, मिस मत करना। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स। Keep this